Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are fine and in very good health. चले जी, मेरे बच्चे तो हो गए थे बोर और समर वेकेशन वर्क करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था और सोच रहे थे क्या न्यू करें। तो मैंने एक आइडिया सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई की तरफ दोबारा आएगा और ये काम करने से बच्चों का इंटरेस्ट और डेवलप होगा। तो हमने क्या काम किया? यस, हमने काम किया आर्ट एंड क्राफ्ट का, जिससे बच्चों की स्किल्स भी निकले और बच्चों का इंटरेस्ट लेवल भी डेवलप हो। हमने क्या बनाया, चले जी आपके साथ शेयर करते हैं और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के साथ और क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करिएगा, ठीक है। हमने बनाया एक फ्लावर और फ्लावर बहुत ही सिंपल पेपर से और जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी उस वक्त, दैट्स इट। हमने कोई भी चीज़ें बाहर से नहीं परचेज़ की, हमने घर के अंदर की चीज़ों को यूज़ किया है। आप लोग के पास भी जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। चले जी हम इस तरफ आते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की। हमने, आप लोग को जैसे कि दिख रहा होगा ये स्टिक है, ये स्टिक नहीं है, आप लोग स्टिक भी ले सकते हैं अगर इफ़ यू हैव अ स्टिक यू स्टिक। मैंने जो है ना झाड़ू तिनका लिया है, ठीक है, तो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमें ग्लू रिक्वायर्ड है और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक है झाड़ू का तिनका जिसको हम ग्रीन पेपर से लपेट देंगे तो वो एक बिल्कुल स्टिक लगेगी, ठीक है। तो बच्चों को पुरानी चीज़ों को यूटिलाइज़ करने का ज़रा ना बताया करें कि पुरानी चीज़ों को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ चाहिए कलरफुल पेपर्स, कोई भी कलरफुल पेपर्स, पेपर से बनाते तो और अच्छा होता। मेरे पास उस वक्त पेपर नहीं थे तो मैंने एक वाइट शीट ले ली और बच्चों को दे दी करने के लिए। बच्चों ने यकीन माने बहुत इन्जॉय किया। इसके अलावा आपको सीज़र चाहिए जिससे बच्चों को कोई भी नुकसान ना हो, पेपर कटिंग सीज़र हो तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ट्राइंगल शेप करके बच्चों को कटिंग दे दी कि एक स्क्वायर हमारे पास आ जाए, स्क्वायर आ जाए। तीनों बच्चे अब देखें, ये देखें कट कर रहे हैं, सही है, ये कटिंग हो रही है। कटिंग होने के बाद बच्चों को फोल्ड करने के लिए दे दिया, फोल्ड करने को बोला दो पीसेस में कट कर दें, ठीक है। बच्चे फोल्ड करके इसको दो पीसेस में कट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे यकीन करें और बच्चे कह रहे हैं कि हमें दो दो तीन तीन बार दोबारा कराएं। अब देखें कुछ नया सोचूंगी, उनको कराऊंगी और इस तरीके से ये देखें फ़ैन की तरह ऊपर नीचे अपसाइड डाउन कराया उनसे, अपसाइड डाउन, ये देख रहे हैं अपसाइड डाउन करके बिल्कुल एक फ़ैन की शेप बन जाएगी। फ़ैन की शेप जब बन जाए ये देखिए कुछ इस तरह की शेप होगी, तो बीच से इसको मोड़ दिया यूं करके, टर्न करा तो फिर ये दोनों जो एजेस हैं इनको ग्लू लगा के जॉइन कर दिया, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स को सर्कल में वी शेप देख के कट भी कर सकते हैं। ये देखिए ग्लू स्टिक लगा के दोनों को जॉइन कर दिया, ग्लू लगाएं। टिप टॉप ग्लू वेरी चीपेस्ट है और बहुत अच्छी है, तो मैं टिप टॉप ग्लू ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये बच्चों की अपनी मर्ज़ी थी कि ग्लू स्टिक यूज़ कर रहे थे। ये देखिए ये ऐसे जॉइन करके ये एक फ्लावर की शीट, लेकिन ये तो हाफ बना, हमने हाफ एक और बनाया उसी शीट का जो हाफ बचा था और इन दोनों को आपस में जॉइन कर दिया इस तरीके से। देखिए कलरफुल पेपर में बनाएंगे बहुत प्यारा लगेगा, आप बड़े ये छोटे में बना के अपनी चीज़ों को, अपने एरिया को, पढ़ाई के एरिया को डेकोरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पुरानी शीट बची थी ग्लिटर शीट, तो मैंने ग्लिटर शीट ली और इसके सर्कल्स काट के लगा दिए। आपके पास कोई भी शीट अवेलेबल हो आप वो लगा दें। मेरे पास ये ग्रीन शीट अवेलेबल थी, इसी को मैंने जो है ना ग्लेज पेपर को मैंने तिनके में लपेटा और उसको ज्वाइन कर दिया और ऐसे लीव्स बना दिए। देखिए एक परफेक्ट आपका फ्लावर रेडी है। आप इसको बड़े में, स्मॉल में, जिस तरीके से भी बनाए बहुत ही ईजी है। छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, बड़े बच्चे भी बना सकते हैं। बड़ों में थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी, छोटों में जो है वो जैसे भी बनेगा उनका एक क्राफ्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो कैसी लगी और मुझे बताते रहिएगा कि आप लोगों को क्या क्या सीखना है और क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ों की वीडियो आप चाहते हैं। जज़ाकअल्लाह और अल्लाह हाफ़िज़।